मैंने रिक्वेस्ट किया सीएम साहब को कि आज ये एंकर बन जाए, ये आज जर्नलिस्ट बन जाए, जर्नलिस्ट के नज़र से ये झारखंड को देखें, क्योंकि इन्होंने अभी हाल में एक इनका तस्वीर भी जारी हुआ था, जब ये तस्वीर में एक नितरहाट में एक तस्वीर ले रहे थे, तो उस दिन हम लोगों को लग गया कि ये जर्नलिस्ट भी बन सकते थे अगर सीएम नहीं बनते तो, राजनेता नहीं बनते तो। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जाना है, नया साल का मौका है, मुख्यमंत्री जी पहला सवाल आप ही करिए। मुझे आप एंकर बनने का मौका दे रहे हैं तो, और सवाल पूछने की आप हम मुझसे पेशकश की है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप झारखंड के एकमात्र क्षेत्रीय न्यूज चैनलों में से आते हैं और प्रमुख आपकी भूमिका रहती है, और जितनी करीब से राज को मैं देखता हूं लगभग उतनी ही करीब से आप भी देखते हैं, आपका चैनल देखता है, और एक संक्षिप्त साल भर का हमारे कार्यकाल का कुछ दो एक खामियां और कुछ कार्य किए हुए चीजों को आप दर्शकों को बताएं तो अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ताकि आपकी कुछ हम में जो आपके तरफ से सुझाव आएंगे उस पर हम काम कर सकें। देखिए जब हम लोग शुरू किए थे इसी रूम से शुरू किए थे, आप मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद का पहला का इंटरव्यू मेरा इसी रूम में आपके साथ हुआ था, कोविड का भीषण पीरियड उस समय हम लोग कोविड से घिरे हुए थे, और आज भी हम लोग कांग्रेस उसी में है। आपकी गाड़ी थी लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं थी, मैंने हम ये कह सकते खजाना खाली था। कैसे आपने एक साल सर्वाइव किया ये सबसे बड़ा सवाल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है, कौन सा ऐसा साइकोलॉजी है कि एक भी झारखंडी को बाहर आपने नहीं छोड़ा, सबको आपको अपने सबको ले आया यहाँ पे और एक एक सुव्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने जिया। देखिए ये कोरोना चुनौती तो खैर पूरे देश दुनिया के लिए रहा, और ये मुझे आज के इस साल भर के दौरान जो मुझे अनुभव हुआ, जहाँ संभ्रांत राज्य हैं, संभ्रांत देश है, जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद जो अफरा तफरी वहाँ मची, वो अफरा तफरी कम से कम हमारे राज्य में हमने उसको संभाले रखा, वो अफरा तफरी मची नहीं, और प्रवासी मजदूर को लाने से लेकर संक्रमण में उनको सुरक्षित रखने से लेकर और महीनों तक घर बैठे उनको एक मौलिक सुविधा उपलब्ध कराकर जो हम लोगों ने, मुझे लगता है कि आज देश में अगर कोरोना के ये में देखेंगे तो आज हम देश के चुनिंदे राज्यों में से एक राज्य हम भी होंगे, मतलब हम भी टॉप थ्री के रैंक में आएंगे, चाहे वो मृत्यु दर की बात करें, चाहे वो कोरोना टेस्टिंग की बात करें, और वो भी जो टेस्ट होता है एक क्विक टेस्ट होता है और एक एंटीजन टेस्ट और एक पीसीआर, हाँ आरटीपीसीआर होता है, उनमें से क्विक टेस्ट एंटीजन को छोड़िए आरटीपीसीआर के टेस्ट में हम आज देश में बेहतर स्थान पर हैं, और मुझे लगता है कि और मृत्यु दर तो खैर देश में नंबर वन ही हम आएंगे, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे कोरोना वॉरियर्स जितने भी थे, सामाजिक लोगों ने, आम लोगों ने जो सहयोग किया, ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी एक बात आपको याद होगी कि पूरे कोरोना के दौरान, चलिए कोरोना वो तो बीते वर्ष की बात कर रहे हैं हम, अब हम लोग नया एक चुनौती को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो वैक्सीनेशन आ रहा है हमारे देश में, जो वैक्सीन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, कब जाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद आप भी नहीं जानते हैं,
लेकिन जब भी उपलब्ध कराए जाएंगे उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों के पास क्या व्यवस्था है, क्या आपने रणनीति बना रखा है? देखिए, जहां तक वैक्सीन आने की बात है और उस समय जो चुनौती होगी, उस चुनौती के लिए भी हम तैयार हैं। अभी तो बहुत चीजें बातें पहले से ही हो रही हैं कि वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन मिलेगा, साथ साथ में नहीं मिलेगा, ये भी बातें चलती हैं। और अब कोरोना का नया एक चेहरा भी सामने आ रहा है, तो उसमें भी अब क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। वैक्सीन को लेकर आपको याद होगा, जब हम कोरोना से संक्रमित से घिरे थे तो हमारे इस राज्य में टेस्ट नहीं हुआ करते थे, हम पड़ोसी राज्य में निर्भर रहते थे। और संयोग या व्यवस्था मेरे कार्यपालिका, हमारे लोगों के सभी के एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज यहाँ पर बना लिए। और लगभग अब हर जिले में हमारी टेस्टिंग के काम चल रहे हैं, और वो भी जब देश पूरी तरीके से बंद था, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद थे, उस समय हमने उसको स्थापित किया। तो ये चुनौती को हम लोगों ने समय समय पर बहुत बखूबी से पार किया। और जहां वैक्सीन आने की बात है, आप देखेंगे कि उसके लिए भी हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा पूरा पुख्ता तैयारी है इस विषय पर कि वैक्सीन आएगा तो उस पर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है कि बिना पैसे का एक साल सरकार चलाना, मने यानी घर में अनाज ना हो और पूरे परिवार को एक साल तक खाना खिलाना, सबको टाइमली वेतन मिलना, सबको सब कुछ होना और सबसे ज़्यादा झेलना, आपने इस साल को झेला है? क्योंकि दो चीज़ झेला है, एक तो कोरोना, कम से कम आपने 5-10 बार टेस्ट किया है, क्योंकि आप छुपे नहीं रहे, आप लड़ते रहे, ये इस बात की सराहना करता हूँ और जनता भी करती है। लेकिन बिना पैसे का सरकार चलाना, ये कैसा अद्भुत एक मैकेनिज्म है, या इसको क्या मैनेजमेंट? देखिए, जो पूर्व की सरकार ने जिस तरीके से राज्य को दिशा देने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि अगर वो सरकार आगे रहती तो शायद इस राज्य को फिर दोबारा खड़ा करना संभव नहीं हो पाता। जो आने के बाद ट्रेजरी की जो हालत थी, जो वित्त व्यवस्था थी, वो इतने बुरी तरीके से इन लोगों ने तहस-नहस कर रखा था, जिसको संभालते संभालते हम लोग के भी पसीने छूटे। हम लोगों ने नए तरीके से थोड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए, धन अर्जन के, पूंजी अर्जन के लिए कई नए कानून बनाए, अभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। और कई बड़े उपक्रम हैं जहां बड़े पैमाने पे हमारे पैसे बकाए थे, उन सब पैसे को लेने का हम लोगों ने कवायद शुरू कर दिया, जो विगत आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। और 20 सालों में उन जगहों पर पूर्व में जो भी सरकार रही उसकी नज़र भी नहीं गई और उन लोगों ने कोई उस पर काम भी नहीं किया। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे, कई विभागों में अब आपको दिख रहा होगा कि पूर्व के सरकारों में आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब आप एड सरकार की ना देखते हो। पेट में लात मत मारो। नहीं, पेट में लात मारने की बात नहीं है, सरकार का भी पेट है, अब ये इसको खिलाना भी है, खाना भी है। और ऐसे स्थिति पे आज आप देखते होंगे कि हमारे सरकार के बहुत विशेष रूप से ही समय पर हम लोगों के अखबारों में, टीवी चैनलों में विज्ञापन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी फिलहाल इस फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है। इसको फिजूल खर्ची ना कहें, हम लोग भी आप ही का लोड है। अरे आप लोग, यही तो आप लोग का सहयोग रहा, आप लोगों ने इतना दिनों तक, आप लोगों ने भी कई अपने आपके जो पत्रकार लोग हैं, इन लोगों को तनख्वाहें कम की, काफी उन लोगों को मेहनत भी कराया और
स्थिति से जुड़े रहे। न्यूज 11 ने नहीं काम कराया। चलिए बहुत खुशी की बात है, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति बहुत जगह बहुत विपरीत रही, विपरीत रही, और हम लोग भी सक्षम नहीं थे, कहीं ना कहीं इधर से काट के उधर और उधर से काट करके इधर, इस तरीके से करते हुए चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लगभग इस पूरे साल में हम लोगों ने जो फालतू अभी की आवश्यकता नहीं हो सकता, जब हम पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था में मजबूत हो जाते तब वो सारी चीजें करने की आवश्यकता थी, अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसको हम लोगों ने होल्ड करा और नतीजा बड़े पैमाने पे पैसे का हम लोगों ने बचत की और इसको नए तरीके से, जिससे आम लोगों को, किसानों को, ग्रामीणों को लाभ मिले, उस पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया। मुखर्जी जी, कल हमारे एक रिपोर्टर दिल्ली में सिंधु बॉर्डर में थे, अच्छा लगता है कि आपका क्षेत्रीय चैनल भी अब दिल्ली विल्ली से रिपोर्टिंग करता है और आपको दिखाता है। सिंधु बॉर्डर में कल जितने भी लोग शरणार्थी या धरनार्थी या आप ये कहें कि जो लोग आंदोलन करता है वो लोग थे, उनके बीच आप अचानक इतना पॉपुलर हो गए कि वो कह रहे थे कि झारखंड सरकार कृषि ऋण को माफ कर दिया है और केंद्र सरकार जो है हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। आपके मायने पर आप कहें, चूंकि अब आप धीरे धीरे एक विपक्ष का, देश में एक विपक्ष का नेता के रूप में उभर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये बातें कहां तक सही कह रहा था वो लोग, या आपके मन में क्या चल रहा है, चूंकि आप जल जंगल जमीन का बेटा है। देखिए, सिंधु बॉर्डर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है आज के दिन में, कि आज अन्नदाता सड़क पर है और मौजूदा केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि आखिर इतने संवेदनशील विषय पर सरकार कैसे चुप रहती है। किसान मर रहे हैं, किसान की जाने जा रही हैं, तब जाकर के केंद्र सरकार की नींद खुलती है और इन किसानों को बहलाने फुसलाने के लिए इधर उधर मंत्रियों को उलझा करके रखा दिया, उलझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर निर्णय तो प्रधानमंत्री ही करते हैं हर निर्णय को, मंत्री की तो शायद ही कुछ चलती हो, मुझे ऐसा लगता है। तो अब विपक्ष की भूमिका में लोग मुझे देखते हैं, मुखर ये नेता के रूप में देखते हैं। दुनिया में लोग आज, सूचना तंत्र बहुत मजबूत है और लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, और आपने विपक्ष ने काफी सरकार के बारे में आलोचनाएं की थी हमारे राज्य में, कि किसानों का कोई भला नहीं हुआ, किसानों के लिए जो वादे किए उन्होंने कुछ नहीं किया। साल भर हम लोग लगभग बिल्कुल, जो हम लोग चुनाव के एजेंडे के साथ आए थे वो चुनाव एक जगह अपना एजेंडा रह गया। हम लोग कोरोना के संक्रमण में वित्त प्रबंधन के मामले को लेकर ज्यादा सजग हुए। जो हम लोगों ने वादा किया, ऐसा नहीं कि वादा को हम भूल गए, लेकिन समय, परिस्थिति और लोगों को हमें ठगने का और छलने का हमारा कोई मनसा नहीं था। इस वजह से जब हम देखे कि चीजों को अब किसानों के समक्ष रखा जा सकता है, किसानों को दिया जा सकता है, तब जाकर के हम लोगों ने इस फैसले को लिया, और एक साल लगे हमें उस फैसले को करने में, और उस फैसले को करने के लिए हमें जो तैयारी एक साल में करनी थी वो हमने की। मुख्यमंत्री जी, अब तो कोरोना काल बीत रहे हैं, अब हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि स्किल्ड लेबर हमारे पास है, बहुत लोग लौट के नहीं गए, क्योंकि उनको भी अब पता पड़ा है कि बाहर में जाके काम करना कितना दुभर है। तो 5 लाख नौकरियों की जो बात हम लोगों ने कही थी पिछले साल, संभव नहीं था पिछले साल करना, जो नए साल आ रहा है नया सूर्य उदय के साथ, क्या हेमंत सरकार ये प्रण लेगा कि हम इस साल 5 लाख 10 लाख नौकरी देंगे, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर खड़ा करेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को बोलेंगे कि भाई तुम 500 रोजगार और करो, क्या व्यापारियों के लिए आप ऐसा कुछ छूट देंगे कि जो कि वो समाहित कर सके उन तमाम लोगों को जो झारखंडी है? अरूप जी, देखिए अभी हम लोग रोजगार सृजन को लेकर, अपने खुद ही सरकार काफी सजग है, हम लोग नए इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जो हमको लगता है देश का सबसे बेहतर पॉलिसी के रूप में वो देखा जाएगा, और
अभी संक्रमण काल में हम लोगों ने कई उद्योग घरानों से बातचीत भी की, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की उसमें थोड़े से लोग घबराए हैं जरूर है। और इन परिस्थिति में भी हमारे इस राज्य में कार्यरत इलेक्ट्रो स्टील जैसी कंपनी अभी लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने को तैयार हुई है। अभी वो बहुत जल्द सरकार के साथ एमओयू भी करेगी। कई ऐसे कपड़ा उद्योग वगैरह लगे हैं जहां पर बड़े संख्या में हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और हमारा लक्ष्य है कि जो हमने कहा है उस लक्ष्य को हम हासिल करें। और ये सरकार और मैं जो बातों को लोगों के सामने रखता हूं, हमारी पूरी ताकत लगी रहती है कि उन बातों को मैं साबित कर पाऊं। माने व्यापारी को इस बार आप डंडा से नहीं हाकेंगे, व्यापारियों को एक माहौल देंगे कि भाई आओ, मेरा झारखंड है, सपनों का झारखंड है, जल जंगल जमीन का झारखंड है, यहाँ कुछ करो। नहीं, आओ की बात भी नहीं है, जाओ की भी बात नहीं है। यहाँ पर पहले से भी बहुत ऐसी असीम संभावनाएं रही है, लेकिन उसको सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज कई उद्योग बंद पड़े, मैंने उसको पुनर्जीवित करना चाहेंगे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो उनको आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल्स की, उनको उपलब्धता के लिए, और इसके लिए हम केंद्र सरकार के साथ बराबर ये कर रहे हैं, संपर्क में हैं। अभी हम लोगों ने आर एन ओर के कई एक लीज केंद्र सरकार को भेजे हैं कि उसका एनओसी हमें दिया जाए ताकि वहाँ खनन कार्य शुरू की जा सके, लेकिन अभी तक साल भर होने जा रहे हैं, अभी तक कोई परमिशन आया नहीं है। और उसी को लेकर कोयला की भी विषय का बात है, कोयले में भी हम लोगों ने अपना पहले कि राज्य के उद्योग को हम लोग पहले खनिज संपदा उपलब्ध कराएं, फिर हम बाहर की ओर देखें, ये हमारा विशेष तौर पर फोकस रहा है। और चूंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहती है, तो अभी थोड़ा सा मुझे उसमें लिबर्टी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है, और जिसका कवायद हम लगातार कर रहे हैं कि हमको वो अधिकार मिले। हेमंत जी, क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री के पास जाते हैं? आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के पास पूरी कैबिनेट को लेकर जाऊंगा, जाते हैं और कहते हैं कि भाई बाबूलाल जी भी मेरे पिता की उम्र के हैं तकरीबन, आप भी मेरे पिता की उम्र के हैं, बच्चों के साथ सौतेलापन क्यों कर रहे हो? देखिए, ये तो सोच सोच की बात है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। केंद्र अगर जो ये राज्य का पिता का भूमिका में है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देखना चाहिए। यही देश की खूबसूरती रही है फेडरल स्ट्रक्चर का, जो मुझे लगता है कि आज के दिन में बहुत प्रासंगिक नहीं रहा। प्रासंगिक नहीं है। तो हम प्रयास है, फिर भी चिट्ठी प्रति लगातार लिख रहा हूं, मंत्रियों से बात भी कर रहा हूं, लेकिन लगता है बात ही तक ही ये चीजें रह रही हैं। अभी कई हमारे सड़कें यहाँ एनएच के हिस्से में हैं और सभी सड़कें जर्जर हुई पड़ी हैं। पता नहीं 5 साल बीते, 5 साल में क्या हुआ, एनएच की सड़कें क्यों नहीं बनी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आम लोगों को क्या मतलब है, केंद्र सरकार किसकी, राज्य सरकार किसकी, उनको सुविधा चाहिए, सुविधा बिजली चाहिए, पानी चाहिए। और इसको लेकर थोड़ी सी जरूर हम लोग पीछे होते दिखाई देते हैं सहयोग के मामले में केंद्र से। और संक्रमण का काल भी था, दिल्ली जाना भी बड़ा दुहर था, लेकिन अभी कुछ दिखता है कि यहां से बाहर निकला जा सकता है, नहीं तो राज्य से तो बाहर निकलने की स्थिति ही नहीं थी कहीं। हेमंत जी, दो तीन चीजें आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो दुमका उपराजधानी है, आपने कहा था कि मैं और 4 उपराजधानी बनाऊंगा, क्या इस साल 4 उपराजधानी और बन जाएंगे और क्या फैसिलिटेट होंगे वो उपराजधानी? नहीं, बिल्कुल हमारा वो लक्ष्य है, वो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब भारत सरकार ने पूरे देश में हजारों की संख्या में स्मार्ट सिटी
कुछ अंकित कर रखा है, लेकिन आज तक कोई स्मार्ट सिटी कहीं आपको, मुझे नहीं लगता है कि ये दिखता होगा, उसका कोई वजूद कहीं दिख रहा होगा। हमने तय किया है और हम उसको दिखाने का, चूंकि आज इन सभी के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आर्थिक संसाधन। कोई भी आप करेगा, सबसे पहले बात आएगी आर्थिक संसाधन कहां से आएंगे। वहां बिल्डिंग बनेंगे, वहां स्ट्रक्चर होगा, वहां और भी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, उन सबको, वो हमारा प्लान चल रहा है कि उस सबको एक एक करके कैसे हम लोग स्थापित करें। बिजली पर आपका फोकस रहा है, बिजली चूंकि लोगों का, आम नागरिकों की एक जरूरत है। 2021 बिजली के क्षेत्र में आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र पे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बिजली के विषय में तो शायद हम लोग आज क्या पूर्व में ही अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन उदासीन सोच, उदासीन व्यवस्था पूर्व में होने की वजह से आज स्थिति ये है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा यूनिट हमारा पतरातू थर्मल पावर को पूर्व की सरकार ने बेच दिया एनटीपीसी के हाथों में। आज हमारे राज्य के खुद जहां कोयला है, पानी है, जमीन है, और आज बिजली उत्पादन में आज हमारी स्थिति बद से बदतर है। और वहीं देखिए अपने पड़ोसी राज्य में, जहां ना बिजली है ना कारखाने हैं, लेकिन आज लगभग कुछ समय के बाद वो सरप्लस बिजली के पोजीशन पे आएगा। लेकिन ये काम यहां क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा चिंता के विषय है। मैं इस पर आगे बढ़ रहा हूं और मैं इसी फॉर्मेट में काम कर रहा हूं कि मुझे बिजली पर किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, राज्य खुद उसका उत्पादन करे और खुद कंज्यूम करे, जैसा अभी डीवीसी हमें परेशान कर रहा है। हाँ, ये वही मैं बोल रहा हूँ कि अपनी चीज होते हुए लोगों की परेशानी, अपने ही घर में लोग खदेड़ते हैं हम लोगों को। दूसरी बात ये सड़क और पानी पेयजल, चूंकि 2021 बहुत बड़ा ये लेकर आएगा, तो पेयजल और सड़क पर क्या कर रहे हैं? देखिए, पेयजल में चूंकि पहले जो परंपरा रही है कि चापाकल गाड़ दो, शहर में कुछ टंकियां बना दो, पानी सप्लाई करो, अब ये तय हुआ है कि घर घर नल देने का एक कार्य योजना प्रारंभ हुई है और इसके तहत अब एक मिशन मोड पर ये काम सरकार प्लान कर चुकी है और 2022 तक लगभग हम लोग ये प्रयास में हैं। इस राज्य का चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सबके घर में नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराने का। और सड़क में क्या करेंगे आप? राज्य स्तरीय सड़क जो होंगी उसका हम लोगों ने पूरा एक ये बना लिया है, कैसे उस पर काम करना है, कहाँ प्रायोरिटी, पहला कौन सा सड़क होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 4 साल के एक ये बना रखी है कि किसको पहले प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यही दुर्भाग्य कभी कभी होता है कि भारत सरकार के अधीन जो सड़कें हैं NH, उसको भी हमें बनाना पड़ जाता है कभी कभी अचानक। हेमंत जी, इस तस्वीर को मैं कैमरामैन को बोलूंगा, जरा एक बार फिर से ढंग से दिखाएं। जिस तस्वीर के नीचे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ते रह गए। आज तकलीफ की बात यह है, दुखद बात यह है कि उन्हीं का बेटा का सरकार है और आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। क्या स्ट्रेटेजी है 2021 में कि आदिवासियों को, जिसकी जमीन हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो चाहे आदिवासी हो, जिनकी जमीन है उसमें भूमाफिया कुछ नहीं कर पाए? पर मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरीके से ना ले कि ये सरकार बिल्कुल इस पर मौन है। और ये जो भूमाफिया का जो कार्यकलाप है वो आज से नहीं है, मैं सरकार में आया हूं उस दिन से ये प्रारंभ नहीं है। यहां पर डीके पांडे जी ने आज जमीन नहीं खरीदी इस सरकार में, इससे पहले ही उन्होंने जमीन खरीदी। कई ऐसे जमीनों का घोटाला हुआ, पहले से ही हुआ पड़ा, और अभी आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है।
और धन्यवाद अब देवघर, देवघर पर एक बड़ा फैसला लिया। देवघर ही नहीं, राज्य के हर प्रखंड मुख्यालय में ये चीजें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। जो इस पर आगे बढ़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है कि हमने एक निर्णय लिया है कि राज्य के हर सीओ ऑफिस में कैमरे लगाए जाएंगे, सब रिकॉर्ड रूप में कैमरे लगेंगे, सब ऑनलाइन डीसी के ये में मोबाइल में रहेगा कि कौन क्या करता है, कौन घुसता है, कौन कागजे का हेरफेर करता है, वो सभी चीजें आप पारदर्शी रूप से लोगों के समक्ष रहेगी। और इससे बढ़कर हमारी कुछ दिमाग में कार्य योजना चल रही है, मैनेजमेंट है बताइए। और आने दीजिए समय, वो भी आपको दिखेगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो राज्य में कभी 20 सालों में नहीं हुआ वो काम अब यहाँ होगा। मुख्यमंत्री जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पुलिसिंग पर आप कितना खुश हैं, पुलिसिंग को और कितना करना चाहिए? जो महिलाएं बलात्कार कभी कभी सामने आ जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाती है, कभी PLFI पोस्टर चिपका देती है, कभी कहीं नक्सली संगठन चिपका देते हैं, वो तो हमारे ही लोग हैं, हमारा ही बन, कुछ नीति उनके लिए। देखिए अरुण जी, जहां तक पुलिसिंग की बात है, हम यही कहेंगे कि जो आज की जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहूंगा कि ये सरकार कोई भी घटना को छुपाती नहीं है, उसको दबाती नहीं, और ऐसे घटनाओं पर सरकार को पूर्व में अगर कोई जानकारी होती है या प्रशासन को, और कार्रवाई ना हो, ऐसा घटना विरले ही आपको मिलेगा इस राज्य में। और जो घटनाएं सामने आ गई उस घटना पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है। अब घर में पिता अपना बेटी की जान ले ले, इस पे तो कुछ कोई रिश्तेदार, आज के दिन में भूमि विवाद में लोग, गांव के लोग घरेलू हिंसा का, घरेलू विवाद का बदला बच्चियों पर निकाल लेते हैं। ये घटना सामाजिक ये के अंदर में घुसी हुई है, मतलब ये एक लोगों को भी अब ये जागरूक होना चाहिए कि इस तरीके के कुकृत्य पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और ये कहा जाए कि सरकार के पास कोई खबर है और उस पर अमल नहीं है, ऐसी घटना माफियागिरी आप नहीं चले लगभग आपको नहीं के बराबर दिखेगा। और अभी हाल में ही देखा आप लोगों ने कि PLFI के और उग्रवादी संगठन के कितने लोग, मतलब रोज दिना वो लोग सामने, उनको धरपकड़ हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि पुलिस प्रशासन, हालांकि ये बात सही है, इनकी भी छवि बहुत अच्छी है, इसको पूरी तरीके से मानना गलत होगा, क्योंकि इनकी भी संलिप्तता कई जगह पर बड़े जड़ तक में है। और अब हम लोग ऊपर इलाज नहीं करेंगे, अब जड़ पर इलाज करेंगे, अब जड़ पर इलाज होगा। अब ये चीजें, इनको जो भी कार्यपालिका में लोग हैं, अब इस बात को बिल्कुल गांठ बांध करके रख लें कि हेमंत सोरेन सरल और सहनशील स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कब उस जड़ में दवा डाला जाए कि उस बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाए। मुख्यमंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, अकेले जाएंगे, मेरी बहू को भी लेके जाएंगे, परिवार के बच्चों को लेके जाएंगे, क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है, कितना उत्साहित है? मुझे झारखंड के लिए वो तो गौरव की बात है, पहला CM जा रहा है। मुझे इसका न्योता मिला है, और कैसे इन लोगों ने मुझे न्योता दिया है, क्या इन लोगों ने पैरामीटर अपना बनाया है, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उस संस्था ने हमें वहाँ पर अपनी बातों को रखने का न्योता दिया है, और मैं निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस मंच पर अपनी बातों को रखूँ।
और जाने की बात है, जाने की बात जो है कि हम लोग कोई तो बनना चाहिए। कुछ कार्यक्रम होते हैं जो घूमने के ये पर जाते हैं, कुछ कार्यक्रम जो विशेष कार्य पर जाते हैं, तो कार्य पर निर्भर करता है कि उसको कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर कार्यक्रम ही काफी रहेगा। 5 साल जो ये जो नया 2021 आ रहा है, हेमंत सोरेन के लिए कितना बड़ा चुनौती है? 5 ऐसे बड़े काम क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन हमेशा चुनौतियों के बीच में पला बढ़ा और चुनौतियों के बीच से ही अपना रास्ता निकाला है। और आज कोरोना जैसा संक्रमण जब हमारे पास आया तो शायद किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम लोग इतने सरल तरीके से राज्य को आगे निकाल लेंगे। अभी आने वाला समय फिर चुनौती है, हम उसको भी अब क्या कहावत है कि एक कहावत है कि ओखल में सर गया, क्या कहावत है उसी तरह का कुछ। हाँ, अब आ गए हैं तो चुनौती से डरने क्या, पानी में कूद गए हैं तो निकलना है। और निकलेंगे और निकालेंगे राज्य को। मुख्यमंत्री जी, आपका जो मैं मार्केट सर्वे करता हूँ तो ये कहता है लोग कि हेमंत सोरेन से मिलके हो सकता है मेरा काम ना हो, लेकिन मिलकर बड़ा खुशी होती है क्योंकि हसमुख स्वभाव के हैं। तो क्या ये आपका भी स्ट्रेटजी है या काम करने का एक मैनेजमेंट है कि भाई जान लो ऑब्जर्व कर लो? किसी को सम्मान देना, किसी को प्यार देना, किसी को आदर देना में क्या कोई आदमी घटता है क्या? लेकिन जब यही आदर यही सम्मान अब विपक्ष को देते हैं और विपक्ष आप पर भद्दी भद्दी चीजें उछालता है, तब हेमंत सोरेन को पीड़ा होती है या नहीं कि पीड़ा लेस है? देखिए, तकलीफ जरूर होती है। अभी हाल में ही कुछ घटना ऐसे घटी जो सुनकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। वही मैं कभी कभी बात करता हूं कि अगर कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता तो शायद अभी तक कार्रवाई करके सब लोगों को मतलब एक पैर पर खड़ा कर दिया होता। अभी तक ये सरकार बिल्कुल अपने कार्य अनुरूप अपने रास्ते चल रही है, लेकिन इसका इस चीज़ों का ये लोग दुरुपयोग, इसका हमारे शालीनता का ये लोग गलत फायदा लेने का जो प्रयास करते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग कहा हुआ था 100 सुनार का एक लोहार का, जब हम लोग अपनी चीजों पर आएंगे तो फिर कुछ उनके पास बचने लायक रहेगा नहीं। एक और सवाल है, पंचायत चुनाव इस साल आप करा लेंगे? देखिए, चुनौती सामने है, अब समय के साथ ही ये निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक लंबे समय तक बड़े पैमाने पर लोगों का मूवमेंट होने लगता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने इस समय को निकाला है और इतने सुरक्षित निकाला है, जब असुरक्षित हो जाएंगे तो शायद उस समय हमारे लिए और चुनौती बढ़ेंगी, लेकिन उसके क्या और बेहतर हो सकते हैं तरीके, उस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं कि चुनाव हो और हम लोग कराएं तो किस तरीके से कराएं, लेकिन उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं। मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़ा दो चीज पर बोलना चाहता हूँ। धनबाद और जमशेदपुर में एयरप्लेन प्लेन जिससे उड़ के हम लोग जाते हैं दिल्ली विल्ली, वो एयर पट्टी नहीं है, एयरक्राफ्ट उतरने का और चढ़ने का व्यवस्था नहीं है। धालगुम गढ़ में ऑलरेडी जमीन ली हुई है, धनबाद में ऑलरेडी बरवड्डा के आगे सिंदरी के आसपास जमीन ली हुई है, क्या इस साल हम लोग उसको डेवलप करेंगे? देखिए, जमशेदपुर दालभूमगढ़ में एयर स्ट्रिप को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमने विभाग को आदेश जारी कर दिए और ये बात धनबाद के लिए हमने अभी प्रयास नहीं किया है। मैंने हम लोग धनबाद से आते तो प्रयास और मैं बिल्कुल इसमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है और एक वायबिलिटी देखते हुए चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स हैं। अभी हमारे देवघर में भी एक इंटरनेशनल एयर पोर्ट बनने की आखिरी चरण पर है और
मुझे लगता है कि कितना वो कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके ऊपर सरकार का एक बहुत बड़ा बोझ सरकार के कंधे पर आने जा रहा है। सुबह आज मुझे किसी ने फोन किया था कि आप एक जो नीति लाने जा रहे हैं पर्यटन नीति, काफी सरल, काफी सुंदर और काफी क्या बोले लोगों को अट्रैक्टिव करने वाला, क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, लोग इस राज को खनिज संपदा के नाम से जानते हैं, अधिक चर्चा इनका है, लेकिन मैं या आप खुद इस बात को जानते हैं, खनिज संपदा के अलावा हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य भी अपार है। और आज हम इस क्षेत्र से भी राज्य को एक गति और एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, और इसको लेकर हम लोग टूरिज्म नीति पर काम कर रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा बहुत बेहतर तरीके से टूरिज्म नीति को हम लोगों ने तैयार किया है, और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े होटल्स का, गांव में रहने का और स्वास्थ्य को लेकर के एक अलग से इको टूरिज्म का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी बनाया है। तो कुल मिलाकर के इस बार, और हम लोग पलामू टाइगर फॉरेस्ट को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार टूरिज्म को लेकर आप देखेंगे बहुत राज्य में एक अलग तरीके की एक्टिविटीज आपको देखने को। महिला सशक्तिकरण आप ही का चीज बोल रहा हूं, इस पर क्या कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण पर बिल्कुल हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं। हम लोग अभी आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को कई गारमेंट फैक्ट्री में दूसरे राज्यों से रेस्क्यू करके ला के उनको नौकरियां पे हम लोग लगा रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, उनको बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यह तय किया है कि महिलाओं को का एक मतलब विशेष कार्य योजना हो, जहां से वो मतलब एक आर्थिक संसाधन को जुटाने में वो कामयाब हो पाए। शिक्षा पर क्या कर रहे हैं? सभी जिले हेडक्वार्टर में CBSE के स्कूल्स खुल रहे हैं सरकार के। अभी तक आप लोगों ने झारखंड बोर्ड ही देखा, अब हम अपने ग्रामीण बच्चों को, किसानों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दें। हर जिला हेडक्वार्टर में अभी CBSE की स्कूलें खुलने जा रही है। निवेश पर क्या कर रहे हैं? निवेश पर बिल्कुल, हम लोग तो मैंने कहा कि अभी तो निवेश को लेकर कई उद्योग घराने थोड़े से संकुचित हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है, अप्रोच किया है, और लोग प्रभावित भी हैं थोड़ा सा, देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के वो ज्यादा चिंतित है। खेल पर क्या कर रहे हैं? सब आप ही का पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि 29 तारीख को खेल पर हम क्या करने जा रहे हैं। नीति ही नहीं, नियत भी हमारी है, और वो नियत 29 तारीख को आपको दिखेगा। चलिए, सामाजिक सुरक्षा भी आपने लिखा हुआ है, इन पर आप थोड़ा फोकस डाल दें। आप सामाजिक सुरक्षा पर, मतलब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट पर काम ना हो हम आपको अभी बता दें या बाद में बता दें? अभी बता दीजिए। पिंटू बहुत गाली दे रहा है पीछे से, मैं देख रहा हूँ उसको, लाइव जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन बात करने में बहुत मजा आ रहा है। नहीं ठीक है, तो आज आप देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने बूते 15 लाख एक्स्ट्रा लोगों को BPL परिवार में जोड़ने का निर्णय लिया है। सभी विधवाओं को, 60 साल से अधिक की विधवाओं को कोई APL BPL की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको पेंशन देना अनिवार्य सरकार के लिए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, वह झारखंडी अधिकार, ये आप खुद हमें बताएं। अब इसमें बताना क्या है, आपने सरना धर्म कोड के बारे में तो सुना नहीं देखा। हम लोग सुनाने पर कम, दिखाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और आप देखेंगे इसी सब्जेक्ट को लेकर के मुझे हार्वर्ड में भी बुलाया गया है। आप अभी बोल रहे थे किस लिए बुलाया गया, मुझे पता नहीं, सब तो यार मैनेजमेंट खुद करते हैं यार, हम लोग को बताते नहीं। मुझे जो उसकी हल्की सी जानकारी है तो यही सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि आप सुने कि आदिवासियों के प्रति, झारखंडियों के प्रति जो हमारी दायित्व है
उसको हम निर्वहन करने के लिए हमेशा संकल्पित रहे हैं, आगे भी रहेंगे। एक स्वार्थ की बात कर लेते हैं, जब आप हेवर्ट में अब सीएम हैं, आप लोग से आपसे हम लोग अनुरोध भी कर सकते हैं और जबरदस्ती भी कर सकते हैं, वैसा रिश्ते भी है। जब आप हेवर्ट में भाषण देते हो तो लोकल चैनल्स को जरूर लेके जाए, क्योंकि उनके भी लाइव करने का मौका उनको भी अवार्ड से मिल जाए। देखिए, ये पहली बार हमें इसका मौका मिलेगा। अब वहां की क्या व्यवस्था है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूर कि अगर ऐसे कुछ चीजें आएंगी तो फिर आप लोगों को भी मौका देंगे। मुख्यमंत्री जी, एक पत्रकारों के लिए भी साल भर के लिए पूछ लेता हूँ, पत्रकार बीमा योजना भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, क्या उसमें और कुछ मुझे लगता है कि बीमा योजना तो शायद बंद कर दिया गया है पूर्व सरकार ने। आप कुछ कर रहे हैं? मुझे जहां तक याद है, मैं हो सकता है गलत हूं, जरा आप ही बताएं। अगर यदि ये बात, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर वो बंद है तो फिर उसको मैं चालू करवा दूंगा। दूसरी बात, नए साल की आपको, आपके सरकार को एक साल पूरा होने में ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं या आपको ये दृढ़ विश्वास है कि आप 5 साल हम इसी तरह हर साल आके आपका सालगिरह पे इंटरव्यू लेते रहे? बिल्कुल, आपको और भी अच्छा लगेगा, अभी साल बीतेगा और भी आप माहौल को आप देखेंगे बहुत बेहतर होते हुए, आप बदलाव की और जरूर आप सवाल बदलाव पर पूछेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, दर्शकों को नया साल की शुभकामनाएं कह दीजिए। आपको भी, अरूप जी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से पूरे झारखंड वासियों को 2021 में अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हुई, संभलते संभालते 2021 की ओर आगे बढ़ें और आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें और हमारा झारखंड सुरक्षित रहे, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हेमंत जी, आपने समय दिया और हमें लगता है कि ये दोनों हाथ ऐसे ही रहें ताकि हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाते रहें और आप काम करते रहें। धन्यवाद।